हेलो 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 मुझे तो आ रही है यार दोबारा बोलना पड़ेगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शॉर्ट में बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे आज के क्वेश्चन के लेवल बहुत जबरदस्त हैं शानदार आई बी पी एस पी ओ एस बी आई पी ओ वाले तो जल्दी से बनाइए पहला क्वेश्चन तीन से चार मिनट से ज्यादा भी लगता है अगर तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन के लेवल थोड़े से अप हैं और ये पेड क्लास के क्वेश्चन हैं ठीक है पेड क्लास के क्वेश्चन हैं कैसे अब भी जस्ट एक क्लास हुई है अब भी जस्ट एक क्लास हुई है ये मैंने जस्ट अभी खत्म करवाए हैं ये पुराने क्वेश्चन ये अभी क्लास हो रही थी जो पेड वाली उसी के क्वेश्चन हैं ठीक है तो अब उसमें जो क्वेश्चन बच गए थे वो क्वेश्चन मैं आगे यहाँ पर करवा रहा हूँ और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों अभी 25 परसेंट का ऑफर भी चल रहा है आपको कोड यूज़ करना है एल वाई ट्वेंटी फाइव तो आप लोगों को पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे और अगर आप सिर्फ मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो ए एल फोर्टी ये कोड यूज कर लीजिएगा चालीस परसेंट का ऑफ चल रहा है इस पर चलो बनाओ पहला क्वेश्चन ये स्मोक पर पचास परसेंट डिस्काउंट दे दो ये स्मोक पर पचास परसेंट डिस्काउंट चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा 28 अट्ठाईस उनतीस तारीख को उसके बाद फिर नॉर्मल जो प्राइजेज है उसी में सेल होगा वो यस yes, मॉक का कोड है टू जीरो जीरो वाई ओ सिक्सटी यस ऑफिसर वालों के लिए है वाई ओ सिक्सटी आज कौन सा डे है थाउजेंड पदल सीरीज का आज है सेवेंथ सेट चलिए स्टार्ट करें उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा स्टार्ट करते हैं सेवन परसेंट टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर गोइंग टू द गार्डन ऑन डिफरेंट मंथ तो अलग अलग मंथ दिए हुए हैं तो यहां पर हम लिख लेते हैं मंथ के नाम सबसे पहले तो सबसे पहले हो गया जनवरी फिर हो गया मार्च फिर हो गया अप्रैल फिर हो गया जून फिर हो गया जुलाई फिर हो गया सेप्टेंबर और हो गया अक्टूबर एक दो तीन तीन छः और एक सात सात लोग हो गए अब कौन सा मंथ कितने दिन का होता है वो लिख लेते हैं सबसे पहले ठीक है तो जनवरी हो गया इकतीस इकतीस ठीक है तो आपको बोल रहा है दे प्लांट डिफरेंट नर्सरी सब अलग अलग वहां पर नर्सरीज प्लांट करते हैं ठीक है आगे बोल रहा है द वन दन प्लांट ग्रीन पॉश गोज इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज तो ग्रीन पॉश जहां पर भी होगा मैं पूरा नहीं लिख रहा ग्रीन लिख देता तो तो ये 30 वाले मंथ में होना चाहिए जो है इससे पहले है है मतलब बीच बीच में में एक का गैप होगा ठीक और के सिर्फ तीन लोग जाते हैं तो टी से तीन छोड़कर डब्ल्यू हो गया उसके बाद प्लांट हैवी स्विंग गोज इमीडिएटली एक्स एक्स के जस्ट बाद है जाता है। जस्ट बाद में पूरा पूरा नहीं लिखना है दोस्तों समय बर्बाद होता है उससे ठीक है उसके बाद बोल रहा है एक्स नीदर गोस टू इन जून में जाता है बेटर तो जिसने भी बेटर बल्ब प्लांट किया है उससे कितना पहले जेड गोस थ्री पर्सन बिफोर तो तीन पर्सन मतलब बीच में दो का गैप आएगा द नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर वी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर यू ऐसी कंडीशन कभी भी दिखती है क्या होता है पेयर बनता है तो वी और यू का पेयर बन जाएगा अब पेयर क्या होते हैं तो पेयर पहला पेयर ये है दूसरा पेयर ये है तीसरा पेयर ये है उसके बाद क्या बोल रहा है द वन हु प्लांट सनी गोज इमीडिएटली आफ्टर यू तो यू के जस्ट बाद कौन जाता है जो सनी प्लांट कर रहा है उसके बाद बोल रहा है यू हु डज नॉट प्लांट गार्डन स्टोन यू ने गार्डन स्टोन प्लांट नहीं किया है तो यहां पर लिख देते हैं यू ने गार्डन प्लांट नहीं किया है नीदर वीन और यू प्लांट एस्टेक्ट वी और यू ये दोनों ने प्लांट नहीं किया ठीक कहां से बनाए भाई ग्रीन थर्टी वाले से बना सकते हैं तीन थर्टी के हमको मंथ दिख रहे हैं देखो ग्रीन थर्टी से बना सकते हैं दो दो तीन पॉसिबिलिटीज बन रही है चेक करेंगे एक एक करके ये वाला थर्टी ये वाला थर्टी ये वाला थर्टी तो देखो इन इन तीन में से ये दो और इसमें से अकॉर्डिंग टू मिनिमम पॉसिबिलिटी जो भी सबसे क्लोज आ रहा है नीचे से या ऊपर से तो भाई नीचे से ये सेकंड नंबर पर है ऊपर से तीसरे पे तो सेकंड वाला ज़्यादा क्लोज हुआ तो यहां पर रखो ग्रीन को और स्टार्ट कर दो तो यहां पर रखा हमने ग्रीन इस वाले से एक छोड़कर टी तो इस वाले से एक छोड़कर ये हो गया टी अब टी से तीन छोड़कर डब्ल्यू लेना है तो तीन छोड़कर डब्ल्यू ऊपर भी नहीं हो सकता नीचे भी नहीं हो सकता मतलब कंडीशन गलत है कंडीशन गलत है मतलब कि यहां पर आप नहीं ले सकते थे अब ऊपर की तरफ से चेक करेंगे तो ऊपर की तरफ से चेक करेंगे तो ये देखो यहां पर आ जाएगा क्या ग्रीन इस वाले तीस पे तो ग्रीन से एक छोड़कर टी ग्रीन से एक छोड़कर टी टी से तीन छोड़कर डब्ल्यू तीन छोड़कर ये हो गया डब्ल्यू ये पूरी कंडीशन हो गई अब क्या बचा हमारे पास अब हमारे पास बचा है वी और यू का पेयर तो वी और यू का अगर पेयर है तो देखो पेयर कहां पर हो सकता है ये वाले पेयर में वी और यू नहीं आ सकते क्योंकि टी आ गया इस वाले पेयर पे नहीं आ सकते क्योंकि डब्ल्यू आ गया तो सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है आपको वी और यू के लिए ठीक है ये वाली जगह अब आपको पता है यू के नीचे सनी है तो यू यहां रखोगे तो नीचे सनी नहीं हो पाएगा इसलिए यू को यहां रख दो ताकि सनी इसके नीचे आ जाए और वी को रख दो यहां पर तो वी यू का पेयर हो गया ठीक है यू के नीचे सनी हो गया ये देखो अब क्या बचा है देखो बैटर से दो छोड़कर जेड रखना है बैटर यहां रखोगे दो छोड़कर जेड आ जाएगा तो बैटर यहां रख देते हैं दो छोड़कर ये हो गया जेड अब देखो एक्स के नीचे हैवी लेना है एक्स यहां लोगे नीचे कोई जगह नहीं है तो एक्स को यहां पर ले लो हैवी हो गया यहां पर एक्स जून में नहीं आना चाहिए था मतलब कंडीशन गलत जो हमारी लास्ट कंडीशन बची वो हमारा परफेक्ट आंसर बनेगा चलो बना देते हैं उसको फटाफट मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इरेज कर करके बना रहा हूं आप लोग अलग से साइड में बनाना ठीक है बार बार ऐसे इरेज नहीं करना एग्जाम में उतना समय नहीं होगा आपके पास कि आप बार बार इरेज कर सको तो क्या क्या चेक कर चुके थे हम यहां पर कर लिए यहां पर कर लिए अब ये वाली जगह बची तो यहां पर रखते हैं हम ग्रीन को ये हो गया ग्रीन एक छोड़कर टी टी से तीन छोड़कर डब्ल्यू ठीक है अब क्या बचा जेड यहां रखोगे तो बैटर नहीं आ पाएगा जेड यहां रखोगे तो बैटर यहां आ जाएगा Z यहां रखोगे तो बैटरी यहां आ जाएगा और क्या चेक कर सकते हैं X जो है वो W के आसपास नहीं है और X यहां भी नहीं होना चाहिए X के नीचे हैवी तो यहां पर भी X नहीं हो सकता ठीक है देखो X W के आसपास नहीं होना चाहिए मतलब ये दो जगह पे X नहीं आ सकता X यहां मना किया है, तो X यहां पर भी नहीं आ सकता इतनी पूरी जगह पे X नहीं आ सकता X यहाँ रख दोगे तो ये हैवी नहीं रख पाओगे इसलिए X को रखो यहां पर ताकि हैवी आ जाए इसके नीचे अब देखो हमारे पास पेयर कौन सा बचा है सिर्फ ये वाला पेयर बच रहा है यू और वी के लिए ठीक है तो अगर आप यू को यहां रखोगे तो नीचे सनी नहीं हो पाएगा इसलिए यू को यहां रख दो ताकि नीचे सनी हो जाए और इसी पेयर के दूसरे एंड पर वी को रख दो अब क्या बचा हमारे पास बैटर से दो छोड़कर जेड तो देखो बैटर को यहां रखेंगे इससे एक दो छोड़कर ये हो गया जेड तो एक जो नाम बच गया उसको यहां पर रखेंगे क्या बच गया टी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई बचा था वाई को रख देते हैं यहां पर बच के आगे अब हमारे पास देखो यू में गार्डन नहीं होना चाहिए और ये दोनों को पहले देखते हैं वी और यू में एसटेक्ट नहीं होना चाहिए इन दोनों पे एसटेक नहीं आएगा तो एसटेक्ट यहां पर आ जाएगा अब देखो अगर यू पे गार्डन नहीं होना चाहिए तो गार्डन आ जाएगा वी में जो बच गया उसको यहां लिख दो हो गया सॉल्व क्या बचा है प्लांट नेस्ट। सभी का यही आया है सेम आंसर एक बार जल्दी से बता दीजिए

डन ईजी था लग रहा है बड़ी जल्दी बना लिए चलिए अच्छी बात है जल्दी बना लिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है 12 बोरा सिटिंग इन टू पैरल रोज दो पैरल रो बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं बारह लोग तो एक दो तीन चार पांच छोड़ा इन रो वन एम एन ओ पी क्यू आर आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ तो यहां पर लिख लेते हैं एम एन ओ पी क्यू आर ये सब नॉर्थ देख रहे हैं उसके बाद दूसरी रो में एफ जी एच आई जे के ये नीचे की तरफ देख रहे हैं

एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ठीक है तो कन्फर्म हो गया भाई क्यू अगर एंड पे नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा क्यू पी और ओ इसके अगल बगल में आने वाले हैं तो ऐसे ऑब्लिक करके लिख दो पी ऑब्लिक ओ पी ऑब्लिक ओ अब क्यू से ऊपर जाकर एक छोड़कर के है तो ऊपर जाकर एक छोड़कर के को यहाँ पर लिख देते हैं एम इज नॉट इन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एम जो है वो ओ का इमीडिएट नेबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं ओ के बगल में एम नहीं आना चाहिए फिर क्या बोल रहा है एन सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ओ एन जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है ओ से ओ यहां रखोगे तो सेकंड टू लेफ्ट में एन नहीं आ पाएगा इसीलिए क्या करेंगे हम ओ को यहां रखते हैं और पी को यहां रखते हैं अब देखो ओ के सेकंड टू लेफ्ट में एन आ जाएगा यहां आपको बोला है ओ का नेबर एम नहीं है अगर एम नेबर नहीं है तो एम यहां पर आ जाएगा तो बचा क्या आपके पास एम एन ओ पी क्यू आर तो आर आ जाएगा यहां ठीक है आगे क्या बोल रहा है एन सेट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ओ बट नॉट अपोजिट टू आई तो ये आई के अपोजिट नहीं है मतलब यहां पर आई नहीं होना चाहिए इज नेबर ऑफ आई के जो है वो आई का नेबर है मतलब के आई का नेबर है तो आई इधर हो जाएगा फिर बोल रहा है बट इज नॉट ऑपोजिट टू एम ठीक है तो अगर जे और जी के से एडजस्टेंट नहीं है तो यहां पर जे और जी नहीं आने चाहिए जी इज एडजेंट टू इधर जे और आई जी जो है वो या तो जे के एडजस्टेंट है या तो आई के एडजस्टेंट है बट नॉट बोथ एफ इज नेबर ऑफ द पर्सन हु सिट ऑपोजिट टू एन एन के ऑपोजिट जो बैठा है उसका नेबर कौन है एफ है तो एफ यहां पर आ जाएगा अब देखो जी जो है वो या तो जे का नेबर होगा या तो आई का नेबर होगा तो कहां पर रख सकते हैं इसको कंडीशन को देखो ठीक है जी जो है वो या तो जे के या तो आई के नेबर में है, ठीक है तो अगर मैं जी जी और जे दोनों को यहां नहीं रख सकते मतलब जी और जे दोनों को यहीं पर रखना पड़ेगा हमको ठीक है और तो कोई जगह नहीं है जी और जे दोनों के लिए तो अगर मैं जी को यहां और जे को यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा जी जो है वो जे और आई दोनों का नेबर हो जाएगा क्योंकि जी को बीच में जे इधर तो जे और आई दोनों का नेबर हो गया ना इसलिए जी को यहां कर दो जे को यहां कर दो ताकि ये सिर्फ इसका नेबर हो आई का नेबर नहीं होगा फिर ऐसे में अब देखो बच्चा क्या है एफ जी एच एच बचा था ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व एफ एच के आई जे जी एफ एच के आई जे जी एम एन आर ओ क्यूपी एम एन आर ओ क्यूपी ठीक है बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए दोस्तों टाइमर रीसेट कर देता हूं मैं चलिए बनाइए शिवांग अगर आप बिगिनर हो तो कोर्स लोगे तो ज्यादा बेनिफिट है अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो कोर्स ले लो क्योंकि समय बहुत बच जाएगा आपका मेन चीज वही होती है अगर आप एफोर्ड कर सकते हो चार पांच हज़ार रुपए तो आपको कोर्स ले लेना चाहिए उससे बहुत समय बच जाता है और अगर एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर आप यूट्यूब से करिए फिर सब एग्ज़ाम में रीजनिंग ही ईजी लगता है संदीप जी आई बी पी एस पी ओ एस बी आई पी ओ देखिएगा अब मेन्स का आज कुछ तूफानी हो जाए कूलर चला लो फिर सामने बैठ जाओ कूलर में बैठे कई दिन हो गया यार कूलर में मतलब अंदर घुस के नहीं कूलर के सामने बैठे कई दिन हो गए साढ़े तीन मिनट हो चुके हैं डन के मैसेज आने स्टार्ट हो गए फाइनली स्टार्ट करें

अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें करना होता है ना इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो नंबर दिए हुए ना इनको आपको क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो पहले तो मैं यहां पर लिख लेता हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो तेईस से दिया हुआ है तेईस बाईस इक्कीस बीस ये जरूरी ना भी रहे तो भी लिख लेना चाहिए क्या कभी कभार जरूरत पड़ जाती है इसलिए लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है अब देखो क्या बोल रहा है आई लिव टू फ्लोर द वन हु है सत्रह बैग बट नॉट ऑन एनी इवन नंबर फ्लोर आई जो है वो दो फ्लोर ऊपर रहता है सत्रह वाले से लेकिन इवन नंबर के फ्लोर फ्लोर पर नहीं है मतलब ऑर्ड फ्लोर पे होगा ये ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है ए लिव्स थ्री फ्लोर अब वन हुआ अट्ठारह बैग ए जो है वो तीन फ्लोर ऊपर रहता है अट्ठारह वाले से मतलब बीच में दो का गैप आएगा तो यहाँ पर डी और ई e लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं फिर क्या बोल रहा है उसके बाद क्या है ई लिवस बिलो द वन हुज पंद्रह बैग्स lives below the one who has 15 e bags. E जो है वो 15 बैग वाले के नीचे रहता है तो नीचे कहा रहता है हमको नहीं पता कहीं पर भी हो सकता है रहता है उस बंदे के who has one bag more than H. तो भाई से एक ज्यादा किसके पास है अट्ठारह वाले के पास ये एच सत्रह ना तो एच एक ज्यादा क्या है अट्ठारह वाला होगा कि नहीं ठीक है तो आपको यहां पर क्या बोल रहा है जी लिवस इमीडिएटली बिलो द वन हुज वन बैग मोर देन एच तो इसके जस्ट नीचे रहता है जी जी लिवस इमीडिएटली बिलो जस्ट नीचे रहेगा ऐसे अब क्या बोल रहा है आगे सी हेज नाइनटीन बैग्स बैग्स हैं एंड लिवस बिलो एफ और सी जो है वो एफ के नीचे रहता है डी लिफ्स इमीडिएटली अबाउ द वन हुज ट्वेंटी बैग्स डी लिव्स इमीडिएटली अबाउ द वन हुज ट्वेंटी बैग्स

ठीक है ये कंडीशन सबसे ज्यादा पर्सन फिल कर रही है इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे नीचे से अगर मैं जी को यहां लेता हूं ठीक है इसमें इसमें क्या यूज करेंगे फिंगर रूल यूज करेंगे मतलब अपनी फिंगर्स को यूज करते हुए आपको आंसर चेक करना है लिखना नहीं है पॉसिबिलिटी चेक करना है जी यहां आएगा अट्ठारह यहां आ जाएगा दो छोड़कर ए यहां आएगा एच यहां आएगा ठीक है अब एच क्या है एच है सत्रह तो ये अगर सत्रह हो गया तो सत्रह से एक छोड़कर आई हो जाएगा यहां पर लेकिन आई तो ऑड नंबर ऑड वाले पे होना चाहिए था ये तो ईवन फ्लोर है मतलब कंडीशन गलत हो रही है क्या किया मैंने देखे आप अपनी उंगलियों से आपको कंडीशन को चेक करना है कैसे ये देखो जी को अगर मैं यहां रखता हूं तो अठारह यहां पर हो जाएगा इसके जस्ट ऊपर उससे दो छोड़कर ए यहां एच यहां एच क्या है सत्रह तो एच अगर सत्रह है तो सत्रह से एक छोड़कर आई यहां पर आ रहा है आठ पे पर हमको आई ऑड पे चाहिए था मतलब गलत हो रहा है ना तो यहां नहीं रख सकते यहां रख दो क्वेश्चन हमारा हंड्रेड परसेंट ट्रू सही होगा चेक करके देखते हैं जी से ऊपर अट्ठारह 18 से दो छोड़कर ए दो छोड़कर ए ए के ऊपर एच एच है सत्रह सत्रह से एक छोड़कर ये हो गया यहां पर आई जो कि ऑर्ड फ्लोर पे है ये देखो तो ये कंडीशन भी हो गई ये कंडीशन भी हो गई ठीक है अब देखो और क्या रख सकते हैं यहां पर पंद्रह के नीचे ई रखना है ठीक है सोलह एक छोड़कर एफ देखो सोलह यहां रखोगे एक छोड़कर एफ नहीं होगा सोलह यहां रखोगे एक छोड़कर एफ नहीं होगा सोलह यहां रखोगे एक छोड़कर एफ हो सकता है ये वाली कंडीशन हो सकती है सोलह से एक छोड़कर एफ या फिर सोलह से एक छोड़कर एफ ये भी हो सकता है बस और कुछ नहीं होगा ठीक है तो सोलह से एक छोड़कर एफ सोलह से एक छोड़कर एफ दो पॉसिबिलिटी दिख रही है हमको अभी भी और सोचो इसमें और कौन सी कंडीशन है जिसको हम सेट कर सकते हैं सोलह एक छोड़कर एफ के नीचे सी सोलह एक छोड़कर एफ के नीचे सी रखोगे तो सी सबसे नीचे चला जाएगा यहां रखोगे तो भी ठीक है अगर आप सोलह यहां रखते हो तो एफ यहां आएगा ठीक है सोलह यहां रखोगे तो एफ यहां आएगा तो एफ के नीचे सी उन्नीस रखना है तो सी उन्नीस यहां तो नहीं सकता सी उन्नीस यहीं रखना पड़ेगा अगर आप यहां रखते हो सोलह के नीचे एक छोड़कर एफ तो भी सी यहीं आएगा तो पहले सी को फिक्स कर दो सी नाइनटीन इसको बाद में फिक्स कर लेंगे और देखो कौन सी कंडीशन है इसके अलावा ये तो हो गई अब क्या बच गया 20 के ऊपर डी रखना है तो 20 के ऊपर अगर डी रखना है तो 20 यहां रखोगे डी हो जाएगा 20 यहां रखोगे डी हो जाएगा 20 और नहीं हो सकता यही दो जगह 20 के लिए ये दो जगह बीस के ऊपर डी रखने के लिए यही दो जगह है पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं यार चलो इतना क्या टाइम लगाना चेक करते हैं एक एक करके अगर मैं यहां पर देखो सोलह से एक छोड़कर एफ को ऐसा रखता हूं सोलह एक छोड़कर एफ तो क्या हो जाएगा हमको पता है बीस के ऊपर डी रखने के लिए ये देखो ये वाली जगह ये वाली जगह दो पॉसिबिलिटी बन रही है लेकिन लेकिन अगर मैं ये वाली कंडीशन रखूं सोलह से एक छोड़कर एफ तो अब देखो हमारे पास बीस और डी के लिए ये वाली जगह खत्म हो गई सिर्फ यही जगह दिख रही है बीस के ऊपर डी एक ही दिख रही है ना तो पॉसिबिलिटी इसमें सिंगल बन रही है इसको बनाते हैं पहले अब क्या बच गया हमारे पास ये भी हो गया कुछ कंडीशन छोड़ तो नहीं दिया हूँ यार मैं पंद्रह के नीचे ई पंद्रह यहां नहीं रख सकते सर मेरा ये लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है मैं अभी तक एक भी प्री नहीं दिया है इस बार मेरा पहला अटम्प्ट है मैं अभी तक जनरल अवेयरनेस स्टार्ट नहीं किया हूं मैं कब स्टार्ट करू कर दो भाई कर दो कर दो हाँ मैं एक कंडीशन मिस कर रहा था ठीक है कौन सी कंडीशन मिस कर रहा था कंजीक्यूटिव अल्फाबेट वाली तो उसमें ये गलत हो जाएगा यहां पर क्योंकि देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एफ और जी जो है ये साथ में आ गए मतलब ये गलत है गलत है तो इसका दूसरा वाले कंडीशन को ले लेते हैं चलो बना लेते हैं भाई कंजिक्यूटिव अल्फाबेट जो है वो नहीं होने चाहिए ना साथ में तो ये वाले को ले लेते हैं सोलह एक छोड़कर एफ ए बी सी डी ई e, एफ तो अब यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है ए बी यहां नहीं आ सकता सी डी ई एफ जी एच आई एच के साथ आई नहीं आ सकता यहाँ पर अच्छा आई तो ऊपर है ठीक है अब क्या रखेंगे इसके बाद ए हो गया सोलह सी हो गया उन्नीस ठीक है एफ का हमको पता नहीं है डी और ई e. बाईस नहीं होने चाहिए अभी भी कुछ तो मिसिंग लग रहा है यार क्या मिस कर रहा हूं यार चलो पॉसिबिलिटी रख के ही देखते हैं तभी समझ में आएगा ट्वेंटी से ऊपर डी यहाँ पर एक बार रख के देखता हूँ फिर यहाँ पर रख के देखूंगा ठीक है तो ट्वेंटी से अगर मैं डी को यहाँ पर रखता हूँ तो जी ट्वेंटी हो जाएगा और डी अट्ठारह हो जाएगा अब उसके बाद हमको क्या पता है पंद्रह के नीचे ई आना चाहिए तो पंद्रह के नीचे ई आना चाहिए एच सत्रह है ए सोलह है ठीक है दम तो है क्वेश्चन में अब बी अगर यहां पर नहीं आ सकता तो बी यहां पर आ जाएगा ई यहां पर आ जाएगा ई इक्कीस नहीं हो सकता ठीक है ई इक्कीस में नहीं आ सकता और बीस के ऊपर डी है मतलब बीस बीस तो हो चुका है पहले ही पंद्रह के नीचे ई रखना है पंद्रह के नीचे ई रखना है तो देखो पंद्रह के नीचे ई है मतलब पंद्रह पे भी ई नहीं हो सकता अगर ई यहाँ नहीं हो सकता यहाँ नहीं हो सकता यहाँ नहीं हो सकता ई ट्वेंटी थ्री हो जाएगा तो ई ट्वेंटी थ्री लिख देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ अरे यार ये गलत हो गया ना ए बी सी डी ई एफ ई के बाद एफ आ गया मतलब गलत हो गया ये कंडीशन ठीक है तो ये ट्वेंटी को हटा दो यहाँ से अब सही होगा लास्ट ट्वेंटी एफ ट्वेंटी डी यहां पर रख लो ऐसा तो एफ हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी चलो अब आ जाएगा सही हमको क्या करना है अब यहां पर देखो f हो गया 20, और d 21 पे नहीं आना चाहिए और 20 पे भी नहीं आना चाहिए तो d यहां पर नहीं आएगा ठीक है पंद्रह के नीचे आपको रखना है ई यानी कि ई जो है वो पंद्रह पे तो नहीं आएगा और क्या बचा ए बी सी डी एफ e, देखो ई e के साथ एफ नहीं आएगा तो e ये e कंडीशन तो है। है, भी हो गई तो जगह पे नहीं आएगा तो डी ट्वेंटी थ्री हो जाएगा और क्या बच गया अब आपके पास ई e जो है ई e जो है वो बाईस नहीं है तो इक्कीस हो जाएगा ई e. तो बाईस हो जाएगा जी चेक करो सबका सेम है क्या अच्छा क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली चीज थी दोस्तों ये कंसेक्यूटिव अल्फाबेट जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए मुझे ज्यादा समय लग गया तो चीजों को सीखो क्या गलतियां होती है एग्जाम में आई ई एच ए डी एफ जी सी बिल्कुल सही है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी शायद ये आखिरी भी हो सकता है पता नहीं मुझे टाइमर स्टार्ट नाउ बनाइए तीन मिनट के अंदर सर आप अल्फाबेट में हमेशा फंसते हो हाँ यार ये तो है डन के मैसेज आ रहे हैं स्टार्ट करें चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूं <coughs> काफी समय दे दिया यार इसमें यहां पर देखिए क्या बोल रहे सेवन परसेंट एक्स वाई जेड आर पार्किंग नॉर्थ दे ऑल की कारें हैं ठीक है तो चलो बनाते हैं लीनियर रो सबसे पहले बना लेते हैं यहां पर जिसमें ये लोग अपनी कार पार्क करेंगे तो एक दो तीन चार पांच छह सात अब क्या बोल रहा है आगे थ्री पर्सन पार्क बिटवीन जेड एंड वाई जेड और वाई के बीच में तीन लोग पार्क करते हैं नीदर ऑफ देम पार्क एट द एंड ये दोनों ही एंड पे नहीं होने चाहिए तो बोल सकते हैं जेड और वाई में से कोई एक यहां जेड और वाई में से कोई एक यहां ठीक अब क्या बोल रहा है आगे देखो टू कार्स आर पार्क टू द राइट ऑफ द वन हुज अल्पाइन जिसके पास भी अल्पाइन है उसके राइट साइड में दो लोग हैं तो यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर होगा अल्पाइन वाला तो ये देखो इसके राइट में दो लोग हैं और क्या बोल रहा है यू पार्क थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन अल्टीमा यू पार्क थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन यू जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में होना चाहिए जिसके पास भी अल्टीमा है फिर बोल रहे इमीडिएट राइट ऑफ द अल्टीमा कार तो अल्टीमा कार के द निशान कार इज पार्क टू द इमीडिएट राइट इमीडिएट राइट में यहां पर निशान होना चाहिए ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है यह इमीडिएट राइट में होना चाहिए पार्क पार्क टू द द इमीडिएट राइट ऑफ अल्टीमा कार कार वन इज बिटवीन एंड टोयोटा और टोयोटा के बीच में एक कार पार्क की गई है नीदर ऑफ द कार इज पार्क एट द एंड ये दोनों ही एंड पे नहीं होनी चाहिए फिर क्या बोल रहा है टू कार्स आर पार्क बिटवीन टी एंड एक्स टी और एक्स के बीच में दो कार्स पार्क है X who is not parked adjacent to Ultima. X जो है ये Ultima के एडजेसेंट नहीं है मतलब यहां पर X और यहां पर X नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहा है Y एंड X हैं neither Toyota nor Akira. तो ये दोनों में Y और X नहीं होने चाहिए। उसके बाद बोला है V and the one who has Bugatti is not parked at the ends. V और Bugatti जो है V और Bugatti. ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना ये दोनों एंड पे नहीं होने चाहिए। टोटा इज नॉट पार्ट एडजस्टिंग टू वॉक्स वैगन टोटा जो है Volkswagen के, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अगर मैं निशान रखता हूं तो यहां अल्टीमा हो जाएगा यहां निशान रखोगे तो अल्टीमा नहीं हो पाएगा यहां निशान रखोगे तो Altima यहां हो जाएगा लेकिन फिर दो छोड़कर यू नहीं हो पाएगा मतलब यही जगह दिख रही है हमको तो यहां हो गया निशान ठीक है निशान से यहां पर हो गया अल्टीमा अब अल्टीमा से दो छोड़कर यू तो अल्टीमा से दो छोड़कर यू आ जाएगा यहां पर यह कंडीशन हो गई अल्टीमा के अगल बगल में एक्स नहीं होना चाहिए मतलब एक्स एक्स पर पर और नहीं आएगा क्रॉस कर दिया हमने अब देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है एक्स से दो छोड़कर टी लेना है एक्स से दो छोड़कर टी लेना है तो देखो आप कहां, कहां पर ले सकते हो एक तो ये वाली जगह दिख रही है आपको यहां से यहां दूसरी दिख रही है यहां से यहां ठीक है तो अब इसमें आपको एक चीज़ तो कंफर्म है ना कि आप किसी भी एक जगह पर चाहे ये दोनों लो चाहे ये दोनों लो यहां तो कोई ना कोई आएगा एक्स और टी में से कंफर्म है मैं हमेशा ये चीज़ करता हूं कि जो चीज़ कंफर्म हो जाती है ना उस पर ऑब्लिक करके लिख दो ताकि वो जगह प्लेस जो है वो फिल हो जाए ठीक है तो एक्स और टी में से कोई एक यहां आएगा और दूसरा बंदा जो होगा वो दूसरी जगह जाएगा तो अब देखते हैं और क्या है हमारे पास इसके अलावा टी और एक्स वाली कंडीशन भी हो गई Vee और बुगाटी एंड पे नहीं है अगर वी एंड पे नहीं है ये देखो अगर वी एंड पे नहीं है तो वी आ जाएगा यहां पर ठीक और क्या बचा एक्यूरा और टोयोटा जो है ये एंड पे नहीं है अगर एक्यूरा और टोयोटा एंड पे नहीं है तो सिर्फ यही जगह दिखती है एक्यूरा और टोयोटा के लिए एक्यूरा टोयोटा के लिए यही दो जगह दिखती है तो अगर एक्यूरा टोयोटा यहां पर रखते हो इन दोनों जगहों पर तो एक्स तो दोनों में ही नहीं आना चाहिए ना तो एक्यूरा पे ना टोयोटा पे मतलब यहां एक्स नहीं आना चाहिए अगर यहां एक्स नहीं आना चाहिए तो यहां टी आ जाएगा ये फिक्स हो गया क्योंकि भाई चाहे टोयोटा रखो चाहे एक्यूरा रखो यहां पर एक्स नहीं रख सकते थे आप ठीक है तो अगर टी यहां आ गया तो अब एक्स जो है वो यहां तो हो नहीं सकता तो एक्स यहां पर आ जाएगा जो एक नाम बच गया क्या बचा है टी यू वी डब्ल्यू वो यहां पर आ जाएगा अब देखो क्या बचा हमारे पास देखो एक्रा टोयोटा में ये वाली Volkswagen वाली कंडीशन से सॉल्व होगा कैसे अगर आप टोयोटा को यहां रख देते हो ठीक है टोयटा को, तो 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 को, को यहीं पर रखना पड़ेगा Acura को यहीं पर रखना पड़ेगा टोयटा के बगल में वॉक्स वेगन नहीं है तो यहां पर आ जाएगा वॉक्स वैगन एक गाड़ी बची थी बुगाटी वो आ जाएगी यहां पर ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या पता है कि वाई जो है वो ना टोयोटा है ना एक्यूरा है तो वाई अगर एक्यूरा पे नहीं आएगा मतलब यहां पर जेड आएगा तो यहां पर जेड को सेट कर दो यहां पर वाई को सेट कर दो क्वेश्चन सॉल्व चलो चेक करते हैं एक्स जेड यू टी वी वाई डब्ल्यू एक्स जेड यू टी वी वाई डब्ल्यू वॉक्स वेगन एक्यूरा बुगाटी टोयोटा वॉक्स वेगन एक्यूरा बुगाटी टोयटा अल्पाइन अल्टीमन निशान अल्पाइन निशान बिल्कुल सही है परफेक्ट आंसर एकदम सही है ठीक दोस्तों यस ऑफिसर पे अगर आप सिर्फ मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं रीजनिंग की और डेटा इंटरप्रिटेशन की तो ये कोड यूज करके आप लोग 40 परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हैं ये डिस्काउंट ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट आ चुका है तो ये वाला ऑफर बहुत जल्द खत्म हो सकता है ठीक है तो अगर आप सिर्फ पंद्रह सौ रुपए में एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं मेरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का तो जल्द से जल्द ले लीजिए ये कोड लगाकर यस ऑफिसर का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं ठीक है और अगर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एल उसमें पच्चीस का ऑफ चल रहा है ये कल शाम तक वैलिड रहेगा बारह बजे तक खत्म कल मिलते हैं फिर अच्छा यस मॉक के लिए भी कुछ लोग पूछ रहे थे दोस्तों अगर मॉक टेस्ट लेना है तो यस मॉक आप ले सकते हैं यस मॉक डॉट कॉम पर जाकर या फिर यस मॉक का ऐप डाउनलोड करके इस पर कोड पूछ रहे थे कुछ लोग तो एक टू हंड्रेड भी है एक वाई ओ सिक्सटी भी है दोनों में से कोई सा भी लगा के देख लीजिएगा जो लग जाए आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा ठीक है चलिए खत्म थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बैंकर्स वन जीरो सब कुछ नीचे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को और जो बिगनर्स हैं दोस्तों अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक आप ले सकते हैं ठीक है ये कंप्लीट रीज़निंग की बुक मैंने अभी जस्ट लॉन्च की है कुछ एक महीना ही हुआ है इसको निकाले हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे इसके फीडबैक दे रहे हैं रिव्यूज़ दे रहे हैं आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से इसका लिंक मैं नीचे पिन कर दूंगा तो वहाँ से आप लोग इस बुक को ले सकते हैं ठीक है